ये जो कंप्लेंट्स उधर एड्रेस नहीं हो रहे थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो यहाँ पे या तहसील लेवल पे वो हमें रजिस्टर्ड होंगे। फिर हम अपनी इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत, जो कि ये हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ, तो हम उसको इंशाल्लाह रिड्रेस करेंगे और इसको पूरे पंजाब तक इसका दायरेकार बढ़ाएंगे। बेसिकली इसका मकसद यह है कि फौरी तौर पर जो आवाम के मसाइल हों, हम उसी को फ़ौरन उनको हल करें। ये तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब हर कोई गांव से, तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से लाहौर तक, सीएम ऑफिस तक नहीं पहुंच सकता। उसकी रसाई का तरीका तो यही कंप्लेंट सेल है। तो जब ये फंक्शनल होगा कम्प्लीटली इंशाल्लाह, तो उसमें उनके मसाइल में काफ़ी हद तक कमी आएगी। इससे पहले भी जब हमने चार्ज लिया, हमने ओपन डोर पॉलिसी रखी है और तमाम अपने फार्मेशंस को कह दिया कि 2 घंटे के लिए अपने दरवाजे खुले रखेंगे, चीट सिस्टम नहीं होगा, ताकि लोगों को इंटरेक्शन हो, उनके मसाइल वहीं पे लोकली हल होंगे। तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद इसको मॉनिटर करूँगा और इसको देखेंगे और इसको ऑब्ज़र्व करेंगे और आपसे भी फीडबैक लेंगे इसका। तो इंशाल्लाह इसको इफ़ेक्टिव बनाएंगे, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, इधर भी हम इसको इफ़ेक्टिवली चलाएंगे। ये हमारी प्रायरिटीज़ हैं, आवाम के मसाइल को हल करना पहली प्रायरिटी है। इंशाल्लाह ये ज़रूर हम इनको रिड्रेस करेंगे और होंगे, और आप देखेंगे भी इसे।